कितने अलग थे, यूं मिल जाएंगे। ये इश्क तो एक इबादत है, जहां सब खोके सब पाते हैं। ये इश्क भले पुराना हो, ये सब कहते ही रह जाते हैं। प्यार का पहला, इश्क का दूजा, और मोहब्बत का तीसरा। लफ्ज़ पूरा होता है, हाँ लफ्ज़ पूरा होता है। राकेश्वरी, खड़ी रानी माँ, बारिश तो हमारे कोख में आना ही था। बड़ी रानी माँ, राणा जी का ना सही, काल का ही सही, रानी तो हम ही रहेंगे। अब जरा मुस्कुरा भी दीजिए बड़ी रानी माँ। बुढ़िया हमेशा सठियाई हुई रहती है। बेटी हुई है,
बस 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 रानी, बस बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और, बस बस सांस लीजिए, जोर से सांस लीजिए। तू काल को ऐसा बेटा देगी जैसा बेटा काल का होना चाहिए, शेर। पहले की तरह कमजोर नहीं, बस और जोर से। वैसे क्यों देख रहे हो? घबराइए मत, ये सो रही है। वो बिल्कुल राणा जी पर गई है ना, राणा जी भी मुझे सताने के लिए झूठ मूठ सो जाते थे, है ना? रानी, जो भगवान की मर्जी। राजमाता ये सो रही है। माँ, तूने हमसे सब कुछ छीन लिया, हमारा गर्व, हमारी शान, हमारा बेटा सब चले गए। आमेरकोट का सूर्य डूब गया। अब इस नन्ही सी जान को टिमटिमाने दे माँ। देखा, हमने कहा था ना, लड़की ही होगी।
हर युग में अधर्म का नाश करने के लिए माँ खुद अवतार लेती है। इस युग में भी माँ ने खुद अवतार लिया है। अब रन होगा और ये रन बड़ा विषम होगा। अपने दिन गिन ले काल, तेरे काल ने अवतार ले लिया है। रानी गायत्री माता की जय। रानी गायत्री माता की जय। रानी गायत्री माता की जय। तो मौत का शगुन है। तू मरेगा, तू एक औरत के हाथों मरेगा। तू ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ले जाओ इसे। आप काल हैं, मौत भी आपके सामने आने से डरती है। एक मामूली औरत आपका क्या बिगाड़ पाएगी? हाँ, कितनी अच्छी सूरत, कितनी मीठी जुबान है तुम्हारी। तुम इस दुनिया की सबसे नशीली शराब हो। चाहे माने ना माने, हमारा मन कहता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। जो तेरा है तुझे अर्पण कर रही हूं मां। अपने भक्त के विश्वास की लाज रखना माँ। मेरी बेटी, आज से तेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज मैं एक ऐसा कदम उठाने जा रही हूँ जिससे शायद मैं कभी जिंदा लौट कर ना। ये आप क्या कह रही है रानी? आपको कुछ नहीं होगा। हम पहले एक बेटा खो चुके हैं, हम बेटी खोना नहीं चाहते। आज मुझे आपसे एक वचन चाहिए। आप हमारी जान मांग के देखिए। जान नहीं, जिंदगी मांग रही हूँ। वचन दीजिए, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी इस बच्ची के लिए जिएंगे? मैं अपनी चिंगारी आपको सौंप रही हूँ। इसे ऐसी आग बनाना कि ये काल को चलाकर राख कर दे। वचन दीजिए। पहले आप वचन दीजिए कि आप जरूर लौट कर आएंगे। मुझसे ऐसे वचन मत मांगिए जो मैं निभा ना सकूं। राजमाता, आप सिर्फ मेरी मां नहीं, मां से कहीं बढ़कर है। आप मेरी गुरु है। आपने मुझ पर तब विश्वास किया जब किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। आपने एक मामूली लड़की को तलाशा और उसे आमिर कोट की रानी बनाया। हर कदम पर आपने मुझे राह दिखाई। मेरी नई जिंदगी, राणा जी के साथ मेरा रिश्ता,
सब आपका दिया हुआ है। मैं तो बस एक बेटी थी, सेठ गोविंद की बेटी। सारे संसार की किसी भी चीज से मेरी बेटी का मोल ज्यादा है। उस बेटी को पत्नी, रानी और योद्धा आपने बनाया। आपने जो मेरे लिए किया है उसका खर्च तो मैं कभी नहीं उतार पाऊंगी, पर ये वादा जरूर करती हूँ कि मैं जो भी करूंगी ऐसा करूंगी कि आपको आपकी बेटी पर हमेशा गर्व रहेगा। विजय बाबू, आप इस बच्ची को अपने साथ लेकर जाएंगी? मेरी बेटी भवानी का रूप है। मैंने कहा था ना, ये तलवारों की छाव में पलेगी। ये मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है राजमाता, मेरी ताकत। मैं काल को, बड़ी रानी माँ को और राणा जी के सारे शत्रुओं को बताना चाहती हूँ कि राणा जी का सिर्फ शरीर गया है, उनकी आत्मा आज भी उनकी बेटी में बसी है। हमने दुश्मनों को पहचानने में बहुत देर कर दी, पर ये भूल मेरी बेटी नहीं करेगी। ये अभी से अपने पिता के दुश्मनों को देखेगी, पहचानेगी, ये अपनी माँ के युद्ध की साक्षी बनेगी, ताकि आगे जाकर इसे अपने दुश्मनों को पहचानने में धोखा न मिले। सर्वभूतेषु जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। शकुन हुआ उसका मतलब हम जानते हैं, ये मौत की आहट है, मौत की आहट हम पहचानते हैं। बरसों से ये आहट सुन रहे हैं, कई बार मौत हमारे दरवाजे तक आई है हमें लेने के लिए। इतनी बार जो आए उसके साथ रिश्ता बन जाता है, और अब तो मौत भी हमें एक रूठी हुई सहेली सी लगती है। जो आती तो है पर बिना मिले कतरा के निकल जाती है। शगुन अपशगुन, मृत्यु जीवन पाप पुण्य, हमसे बहुत ऊपर उठ चुके हैं राणा जी। पाप का घड़ा जब भर जाता है दंड मिलता ही मिलता है, इसलिए हमने खड़ा नहीं रखा, कुआं खोदा है, और कुआं भरने में वक्त लगता है, बहुत वक्त। सॉरी राणा जी, पर हम नहीं मरने वाले।